सो हेलो जी नमस्ते, आई होप समझते, वेलकम टू एके हेथ रिव्यू। शज़ाम, सिर्फ एक शब्द कहने से बिली और उसके भाई बहनों को दिव्य शक्तियां मिल जाती हैं, जिनकी मदद से वो दुनिया को बचाते हैं। और ये पावर्स बिली और उसके भाई बहनों को कैसे मिली, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा शज़ाम पार्ट वन। और अब शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड में उन्हीं देवताओं की तीन बेटियां आई हैं वो शक्तियां और उस गोल्डन एप्पल को लेने के लिए। इस लड़ाई के दौरान कई सारी जादुई ताकतों और ड्रैगन्स के साथ साथ कई सारी दूसरी दुनिया भी देखने को मिलेगी। मूवी में ब्रिज वाले सीन को देखकर फाइनल डेस्टिनेशन की याद तो आ ही जाती है, साथ ही साथ ड्रैगन के टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स, जादू दरवाजों में हैरी पॉटर क्रिएचर्स को देखकर नार्निया जैसी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये फैमिली एंटरटेनमेंट से भरी मूवी में कॉमेडी और एक्शन का तड़का भरपूर लगाया हुआ है। और सच कहूं तो पार्ट वन से ज्यादा अच्छा था मुझे ये पार्ट टू लगा, जबकि पार्ट वन भी काफी अच्छा था। और हाँ, डीसी की ये मूवी सुपर हीरो की फुल ऑन वाइब देती है, जहां सेक्रीफाइस और पावर को किस तरह यूज करना है वो भी अच्छे से समझाया जाता है कॉमेडी के बेहतरीन तालमेल के साथ। म्यूजिक कुछ खास यादगार तो नहीं, बट सीन्स के हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार रहे। और मैंने ये मूवी हिंदी डबिंग में देखी, तो भाई डबिंग के हिसाब से डायलॉग्स तो बेहतरीन थे। एक और बात, रेचल ज़ेगलर को देखने के बाद आपकी क्रश की लिस्ट में एक और नाम ऐड हो जाएगा। ऑल्दो टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर की वजह से काफी सारी चीजें ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी थी, बट एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो ये भी है कि लूसी का कैरेक्टर भी इस हिसाब से बनाया गया है कि उनका एक्सप्रेशन और गुस्से वाला चेहरा हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। अब ओवरऑल मूवी बच्चों के लिए तो बड़े सुपर हीरो मूवी है ही, इसे बड़े भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसे देता हूँ 3 स्टार्स ऑफ द 5 स्टार्स। अगली सीरीज है पॉपकॉर्न, जिसमें कॉमेडी के बड़े बड़े धुरंधर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, क्योंकि अति हमेशा काम बिगाड़ ही देती है। कहानी कुणाल खेमू की, जिसे बड़े होने पर पता चलता है जिसे आज तक वो अपने पिता समझता था वो उसका असली पिता है ही नहीं, और वहीं से सवाल शुरू होता है असली पॉपकॉर्न। अब कहानी एक जैसी ही चलती रहती है, हर बार एक नए पिता सामने आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी उनके असली पिता नहीं, फिर वापस से नए पिता की तलाश शुरू हो जाती है, और इसी तरह ये सीरीज चलती चली जाती है। सीरीज में एक से बढ़कर एक कॉमेडी के बाप भरे पड़े हैं, बट ह्यूमर एकदम पुराना फोर्सफुल लगता है और जोक्स एकदम फ्लैट, स्क्रीन प्ले भी ढीला सा है, बीच बीच में कभी कभी सिचुएशनल कॉमेडी काम कर जाती है, बट जब गाने आते हैं तो भाई आप सर पकड़ लेते हो। बीच बीच में जैमी का काम आपको अच्छा लगेगा, और सौरभ शुक्ला का वर्ड प्ले भाई बहुत इरिटेटिंग है। उसके साथ साथ जो बंदा कुणाल का सौतेला भाई बनता है भाई, वो तो ओवर एक्टिंग की दुकान ही है दुकान। ये सीरीज देखकर ऐसा लगता है 90s 2000 के किसी बच्चे ने इस सीरीज को लिखा है और 6 एपिसोड का ड्रामा खत्म कर दिया है। और सच बोलूं, जब ये सीरीज देख रहा था ऐसा लग रहा था कोई मेरे सिर पे मुक्के मार रहा है। और ओवरऑल कहूं पॉपकॉर्न वेब सीरीज टोटल टाइम वेस्ट है, मैं इसे 1.5 स्टार देता हूं आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, याद है ना, अपना टारगेट 1500 सब्सक्राइबर का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।